देवरिया नरसंहार मामले में नया मोड़, अब नहीं चलेगा बुलडोजर। देवरिया कांड में अखिलेश यादव के बयान पर अब पहुंचने लगे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। मृतक प्रेमचंद्र यादव के गांव की महिलाओं ने बताई पूरी बात, आखिरकार क्या हुआ था। हमार कई कुलना जंतन जय बाबू। अच्छा पंडित जी कैसा आदमी रहलन जो नावत रहलन इनके यहां जानकारी मिलते लेके रहत के नहीं बाबू हमन के मालूम पंडित जी का हमन के नखी जान। पंडित जी रहत रहनी खात रहनी सब पर अच्छा करत रहनी वो ना बुरा भला के को नहीं करत। हां वो अपने घर वो जे रहत ना के घर आखिर वो अच्छे इंसान रहला यो अच्छे इंसान रहला त जी मामला हो कैसे गया। बोला के अबे जे हम अकेले बैठल बनी हम बोला के धोखा से मार मुआ दे तो बाद में पब्लिक जानी तो जइबे करे। अच्छा ही बताई उनके आदमी के काहे पकड़ के लेके का करत ना घरे रहला। सब आदमी हमारा हम लाइकानी के लेके हमारे लाइकानी दिलावरी रहली लेके चली गई लानी लेके हॉस्पिटल में से आईनी आओ अब सुननी मान के सुनी तो जइबे करी गईनी वहां से आईनी खाक बैठल लानी लाइकानी के दवाई खिया के खाक लेके बैठल लानी जा आईने से गईनी जा होने होने से आईने ने से गईनी जा तो कुछ नहीं कहीं जा होने से आईनी जा तो कहनी जा जे दो बात पूछना चाहते हैं तो ये कहानी ठीक बा बैठा के लेके चली गई। अच्छा घर ही रहे मारी झगड़ा मुहा से कुछ मतलब नहीं कहीं हो खा प्रेम यादव के घर आना जाना उतरा लेखा उनकर। अरे सब मान ली जब लगे घर दुआ रही वो तो घरे रहनी नहीं हल्दी जो कहीं झगड़ो हो तो जानबो नहीं करेनी जो घरे रह तब जान कर आपका आदमी घर आई अपन जहाँ कार मिली तहाँ को रानी आई कार मिली नहीं चाची बतावा कि जब तू यहाँ आयु दवाई लेके तो कैसे तो के पास चले कितना बढ़िया घटना घट गए वहाँ कब पता तो ये बताई हम जान जे हमके वहाँ से मतलब नहीं बा हमके हम यहाँ बानी तो हमारे कुछ हो ही नहीं तो हम अपन खा के घरे दुआरे बैठबे कर कहीं से रात भर के जागल लह दू दिन के जागल लह तो खा पी के घरे दुआरे अपने बैठल रह सब का कर अभी नहीं हम जान जे हम घरे दुआरे अपने बैठल बानी तो केहू आई तो पकड़ के लेके चल जाई। अच्छा ये बताई और कितना लोगन के लेके गए यहाँ से। सर अब हम मान हम कहीं जानी मनी नहीं। अच्छा जाना दादी जी आपके कुछ पता बा कि कितना लोग बेल बना जेई के मिलल जेई मिलल ते चल गेल बा हम के जाने नहीं बस अपने घरे दुआरे रहे आपके ये घर है ना। हां घर आई अपने हम गांव में आदमी ना दिखे खाली घर में रहनी हम नहीं कहीं के को बारी बहन नहीं हम घर के करवाइया नहीं भाई एक लड़का बन बतावा तो हाल लइकवा घरे रहता ना हाँ। तो पुलिस आई तो इधर रहू कि ना घरे तो पुलिस आई हाँ। तो से पूछलस पुलिस कि ना कुछ हो ओय ना हम से नचे ने जे लइकवा हम ठाड़ा रहना हां बस कोने चलो 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 गई जे गाड़ी लागल है गाड़ी में बैठा के बैठा ले छ गिन तो सब आदमी ने के अच्छा जे जे भेटा राही बटोई जे हां के सब गांव में जे जे मिला सबके पता चल सब के पूछा ना आई लोग हां हां सबके गाड़ी में गाड़ी में। तो अब तो दादी तुम्हारा पूरा समूह काम करते ना अब तो लोग खाना खर्चा के देता क्या प्रशासन कुछ है होती है 4-5 दिन दिन भर बर्तन मारो बच्चा बच्चा ले दिन भर जो असम दिन 4 दिन जब मान के कमाई नहीं रही हो कमाई तो चले कहां से खाई कहां से खाई या कहां से भाई के ये बोल रही कनिया वाला तही लेके वो बैठल बानी कहां से का करी। आप लोगन उनका घरे आवा जात रहनी है जा नहीं बाबू मार बोल तो पूरा अल्लाह हम के देख के आई हम निकल जा कि सबके सब फंसा दे पूरा बड़ा गांव लोग मां जी दौरिया गांव कोनो बात हो खत के जाय नहीं जरूर देखी वहां से आदमी तो दौरे सोचो का करबा हम जब मान नहीं कैलबे त हम का करे के बा त अपने घरे दुआरे बाप कि नहीं रह सब देखे सबके फंसा दे रहा। अच्छा तो वही जो कैसे गिरफ्तारी भइल है का पंडित जी के घर से गिरफ्तारी भेल कि आपको लोग के घर से यहाँ से पंडित जी बोला बला के मारल लोग बला के को फोन से बलावल लोग प्रेमचंद आओ प्रेमचंद गईना ये मारल मार के मुंह में जो 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 पुलिस घेराबंदी की है इस मामले में तो गांव गांव के लोगन के उठा के घरे से ले गई घर से सब घर से बाबू घर से घर से घर से आपसे बतिया को तनिया कम लेक लाइक नहीं आईनी
तो सुना नहीं महाला दंगा को तो मान के देखे चल जाए तो यही नहीं दवाई आई नहीं वहाँ देख के मन देख के दवाई वाई दी आई वही लैकनी के कहते तो दुख खानी रती भर के जागर मैंने तो कहानी अच्छा लैकन कहानी अच्छा दे दो खा के आ वही दुआर पर बैठल हनी तो वो सब कहते जो हम दुख बात पूछना चाहते हैं तू कहानी अब वहाँ शंका रहा नहीं कहानी ठीक है पूछिए सब तो लेके आ बोला के लेके आके गड़ी में बैठा ले नीचा ये बताइए जब घटना भेल तो आपके पति कहाँ रह उस समय ये बताए लेक हम सुबह में दवाई लेके आए लेके आए नहीं साथ में आपके पति भी गए थे जी तो साथ में घर में मन को कोने ने इन हल्ला वाला होता रहो तब वह देख चलिए देख के आई तो घर में खा के दुआरा पर बैठल वो ना कहीं जानी मोनी एक बात और बताएं कि सब कहा था कि जिन प्रेमचंद यादव रहना बहुत ही घमंडी किस्म के रहना जकर नेकी चल के चल गए भूलवा नहीं पाई हाँ गैलक बात केहू कुछ कह सकल बाकी केहू के दुखो सुनिए भागल केहू के केहू मरीज हो अपन टाली टक्टर भेज दी हम यहाँ फ्री में अब उनके खातिर केहू लेबे उनके मैरी लइकन खातिर अब एगो गोइलही करती नया के साथ सुबह पकड़ लेके चल गए नी जा अब वहाँ झगड़ा हो तो हम ना यहाँ से देख सके नी तो देख ले मतलब कब पकड़ के चल जा तब तो जे पोरल बा अपन बैठल बा अपन करता बा अच्छे पकड़ के ले गए तो अपन खा पियता नहीं जा घूमता नहीं जा जकर ना केहू कम अइया रही ना हेतनि लेब अइया रही तो जे रही ओहिके नास्ता रही तो जे चलि जाइ तऽ ककरे भले केहू रही जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है छह लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए उसके बाद और दराती मारी गई जिसकी वजह से सुनने में आ रहा कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है बीजेपी है और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे वन से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए Yeah.